हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिया नूं। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज की क्लास। अज आप करन जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6वीं क्लास की गणित मैथ्स की किताब, तो उसका पहला चैप्टर नोइंग आर नंबर्स। अज आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करांगे, पर उसके बारे चर्चा करन तो पहला कुछ चीज़ा समझ लेंगे। जिवें मैं थोनों दसा भी मल्टीप्लीकेशन ते आपां जब डिविजन की गल करते हैं वह कदों यूज की जाती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन तदों यूज की जाती है, मान लो इतने चार हिस्से ने, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं चार ग्रुप्स ने, ग्रुप्स में तुसी हिस्से भी कह सकते हो, तो हरेक ग्रुप के पांच पांच चीज़ा ने, किन्ना वंड हैगी है, किन्ना वो समान हैगा, ये दोनों चीज़ा दित्तियां हुई हो, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स से अमाउंट दोनों दिती हुए, तो आपां टोटल कैलकुलेट करना हो, टोटल कटना हो, तो आप मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। आप करांगे 5 × 4 20 टोटल आ जाएगा, पर डिविजन कद यूज करते हैं, डिविजन तद यूज करते हैं जब सानू टोटल दिता होंगे भी 20 हैगा, इन्हों नू बराबर हिस्सों में वंडो 4, तो आप करांगे 20 / 4, तो कहोगे मैडम हर हिस्से दे विच पांच पांच समान आ जाएगा, तदी डिवाइड यूज करते हैं। या इनू एक होर तरीका मैं समझा दिनी हाँ, जब आप मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, गुणा करते हैं, तो आप बराबर के जोड़े हिस्से है उन्होंने जोड़ते हैं, जिमें 3 हिस्से ने, ये 1, 2, 3 टोटल 3 हिस्से ने, हरेक हिस्से मान लो 10 10 चीज़ा ने, टोटल कितना हो गया 3 × 10 30। डिवाइड कदों करते हैं जब सानू टोटल दिता हो जी, टोटल 30 है, इन्हों असी 3 बराबर हिस्सों में वंडना है, तुसी की करोगे 30 नू डिवाइड कर दोगे 3 दे नाल, हरेक हिस्से में तुहानू पता लग जाएगा भी की आएगा 10, यानी तोड़ना हो टोटल दिता हो डिवाइड करना है, जोड़ना हो मल्टीप्लाई करीदा है। हुण आपां इत्थे एक्सरसाइज समझदे हां की गल्लां इत्थे दसियां गई हैं, जिवें इहदे विच दस्सिया गया आपां पढ़ांगे लेंथ बारे, वेट बारे ते कैपैसिटी बारे। सब दे अलग अलग यूनिट्स हुंदे ने, जिवें इत्थे टेबल दस्सिया होया, इहनूं याद करन दा एक वधिया तरीका मैं तुहानूं दस्सांगी। लेंथ दे जिहड़े बेसिक यूनिट हुंदे ने, जिवें मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ते इत्थे दस्सिया होया 1 मीटर 100 सेंटीमीटर दे बराबर है, वह अगे 1000 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है। वेट के जोड़े यूनिट होंगे वो हो गया किलोग्राम या ग्राम। कैपैसिटी जिमें मैं कहाँ थोड़ी कितनी कैपैसिटी है पानी पीन की, तुम कहोगे जी 1 लीटर 100 मिलीमीटर सॉरी मिलीलीटर, इदा ही होएगा। हूँ ये आ सू एक ना टेबल दिता हो इथे करके, तो ये सब तो उत्ते जो लिखा हुआ इतने वो है किलो, फिर थले हैक्टो डेका मीटर ग्राम या लीटर लिखा हुआ, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। इन्हों सारे पिछे जोड़े यूनिट्स लग सकते हैं, जिमें किलो के पिछे मीटर लग जाएगा, उवें ही हैक्टोमीटर हो जाएगा, डेका मीटर हो जाएगा, जब लेंथ की गल हो रही है ना, लेंथ के पिछे सारे दे मीटर मीटर लग जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे भी कितने गुणा करना है, कितने डिवाइड करना है। उवें इन्हों पिछे सारे पिछे ग्राम भी लग जाएगा, जिमें मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ठीक है, फिर आ गया ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। उवे ही इन्हों सारे पिछे लीटर भी लग जाएगा, जिमें मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। हुण करना की, इहनूं सॉल्व किवें करना है, पहली गल तां इहनूं याद किवें करना है। देखो पहले पहले जे आपां लैटर लईए इहनां दे, तां इह एक सेंटेंस बनता है, वो याद कर लो, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच, डिड नॉट कट्ठा हैगा। देखो के तो किलो, के तो किंग, एच तो हैरी, एच तो हैक्टो, डी तो डाइड, डी तो डेका, एम तो मदर, उहदे विच मीटर भी है, ग्राम भी है, लीटर भी है, डिड नॉट दे विच डी ते, डी तो डेसी, क्राई सेंटी, सी सी मच, मिली एम एम। हुण इहनू सिंपल तरीके नाल समझदे हां, मान लो इस टेबल दे विच तुसी किलो मीटर, तुसी उनु ग्राम दे विच भी ले सकते हो, लीटर दे विच ही ले सकते हो, एदा ले लो भी 1 किलो लीटर तो हैक्टोमीटर दे विच जाना है, तो तुहानू डिवाइड करना पैंदा है। इनू आपां ये कह सकते हैं भी आपां 1
किलोमीटर ले लो या फिर किलो लीटर ले लो या किलोग्राम ले लो, वो किदे बराबर है 1/10 हेक्टो मीटर के। यानी कि तुसी ये कहोगे भी 1 हेक्टोमीटर किदे बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर दे, ऐसा ही लिख सकते हैं आप। या मान लो मैं जाना है गया डेसी तो ग्राम ते, डेसी ग्राम तो जे मैं ग्राम दे विच जाना है तो मैनू इथे पहुंचने के लिए इनू 10 गुणा करना पैना है। इनू 10 गुणा, देखो इधर एरो जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी इथे पहुंचने के लिए इनू गुणा करना पैना है मैनू। ये आ गया, तुसी कह सकते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ठीक है, इनू आपां इदां समझते हैं, ये हो गया किलो, इथे आ गया हेक्टो, डेका मीटर, ग्राम या लीटर ले लो, डेसी सेंटी मिली, इदां ही है। हुण इसदे विच जे तुसी किलो तो जाना हैगा हेक्टो वल, तां इदां करके डिवाइड करोगे, इदा डिवाइड होंदा जाएगा। पर जे उल्टा आना है इधरले पासे नू आना है तो मल्टीप्लाई होएगा। कहने का मतलब भी जे मैं लिखा 10 हेक्टो, वो किदे बराबर होएगा, इनू 10 गुणा करोंगे तां की आएगा 1 किलो दे। जे इधरों इधर करिए 10 डेका किदे बराबर आएगा 1 हेक्टो दे। जे डेका तो किलो वाल जाना है तो मैं की करांगी 100 डेका किदे बराबर 1 किलो दे। पिछे मीटर भी लग जाएगा, है ना, पिछे मीटर भी लग जाएगा, ग्राम भी लग जाएगा, लीटर भी। उवे ही मान लो मैं जाना है इधर तो इधर, मीटर तो डेसी मीटर डिवाइड होएगा। कहने का मतलब ये भी 1/10 मीटर की दे बराबर होएगा डेसी दे, डेसी मीटर दे। इनू तुसी डिवाइड करोगे 1/10 दे नाल, तां तुसी इत्थे पहुंच सकते हो। जिथे पहुंच सकते हो उन्हें लिख लो, पुराने वाले दे पिछे जो भी कहे डिवाइड करना है तो डिवाइड आ जाए। इनू ही तुसी दूजे वर्ड्स दे विच लिख सकते हो, की लिख सकते हो, इत्थे 10 नाल गुणा होएगा। जे आपां लिखना होए भी 10 डेसीमीटर, ओ किदे बराबर आएगा 1 मीटर दे। उवे ही 10 डेसीग्राम मल्टीप्लाई कर इक्वल टू आएगा 1 ग्राम दे, 10 डेसीलीटर बराबर आएगा 1 लीटर दे। एनी गल सारिआं नूं समझ आ गई। हुण आपां ट्राई करदे हां, क्योंकि सानूं टेबल क्लीयर हो गया, हुण आपां ट्राई करके देखदे हां इहनां विच जिहड़े एग्जाम्पल दित्ते गए ने। जिवें इत्थे कहा गया इलैक्शन होई, जिहड़ा बंदा जित्तिआ उहदे कोल इन्ने वोट्स आए पहले नंबर ते, जिहड़ा आया जिहड़ा उहदे कोल सी सैकेंड नंबर ते उहदे कोल इन्ने वोट्स आए। इह जित्तण वाला किन्ने वध वोट्स लै के जित्तिआ, उहदे लई की करांगे, डिवाइड नहीं करांगे, मल्टीप्लाई नहीं करांगे, माइनस करांगे। इहदे कोल जिन्ने वोट सी उहदे विच्चों जिन्ने सेकंड नंबर वाले को आए वो माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा की डिफरेंस है। इदां स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है। उवे ही उन्हें ध्यान नाल देखियो, एक अखबार बनता एक शहर दे विच, ते एक कॉपी दे विच उस अखबार दे 13 पेजेस होंगे ने एक कॉपी दे विच। ठीक है, तो फिर मैनू ये दसो भी एक दे विच जे 13 ने ते इदां करदे जाइए 11980 कॉपीज, इदां टोटल जिहड़ी कॉपीज़ हैगी है वह 11980 हैगी है। असी टोटल पेजिस कढ़ने ने, सॉरी ये पेजिस कढ़ने ने, ये जिहड़ी हैगी है नंबर ये हैगा 11980, मतलब मल्टीप्लाई करूँगे आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो थानू करना आंदा है, 11980 नू 13 दे नाल मल्टीप्लाई करूँगे इन्ने नंबर ऑफ पेजिस आ जाएंगे। ए सी मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। हुण इत्थे कहा गया भी एक दुकानदार कोल इन्नी शीट्स हैगी है, पेपर हैगे ने, ते उहने एक रिम बनाना है पेपरां नूं इकट्ठा करके ना बंडल बनाने है। एक रिम दे विच 480 शीट्स आंदी है, आ लै लो इदां करके रिम बनणगे। ठीक है, टोटल जिहड़ी शीट्स हैगियां उह दित्तियां गईयां है इन्नियां, तुसीं किन्ने रिम बनणगे उह कढ़ने। एक रिम दे विच इन्ने उह आ जांदे हैं पेपर, ते इस दे विच की करांगे, इनू टोटल नू डिवाइड कर दांगे जो दित्ता होया। हुण समझ आ गया डिवीजन कित्थे यूज होएगी। आ देखो डिवाइड कीता 480 बाहर आया, 480 वन्स आर 480, माइनस कीता 0 0 ए वाला थल्ले आया, फिर 0 दे नाल फिर 0 थल्ले आया, उत्ते भी 2 0 क्योंकि एंड दे विच 2 0 बच गए सी, इन्ने रिम बन जाणगे। उवें ही एक बर्तन दे विच 4 लीटर 650 ml दही हैगा, किन्ने ग्लास भरे जाएंगे ये नाल। ये टोटल दही है, टोटल
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ml, ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 25 ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 10, ਇੱਥੇ ਵੀ 10, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 1 ml is equal to ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 1/1, 2, 3 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ 1000 ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 1 ml is equal to 1000 ml, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ 4 ਲੀਟਰ, ਤਾਂ 4 ਲੀਟਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 × 4। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੀਟਰ, ਐਮ ਐਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਮ ਐਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਏ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ 1 ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4000 ml। 4000 ml ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 4650 ml ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਲਾਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਲੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 1, 2, 3, 0 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 1 ਮੀਟਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਮੀਟਰ, ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1000। 1 ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5000 ਮੀਟਰ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੀ ਪਾਰਟ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੂ ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਮੀਟਰ, ਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 × 35, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਉਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 0 ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 100 ਨੂੰ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, 2 0 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਗੇ 32 ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ, 2000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ। ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 10, 3 ਵਾਰ 10 ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 3 ਵਾਰ 10 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੱਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 1/1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
क्योंकि इनू इथे तक पहुंचने लिए इन्नी बार डिवाइड होना पड़ेगा। समझ आ गया? तो आप लिख सकते हैं मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम सॉरी एम जी मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर। ग्राम आप कढ़ना है इधरली साइड लिखते हैं 2000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 एदा ए वाला इदा मल्टीप्लाई कर देंगे ये देना ए आ गया इनू ए मल्टीप्लाई किया 2000 नू 1 दे नाल ले आ गया 2000 बटा 1000 तीन जीरो नाल तीन जीरो की कटिंग हो जाती है ए आ गया 2। देखो किसी भी नंबर के थले 1 हो ना उन्हों कला नंबर लिख सकते हैं मान सकते हैं पर जे 1/5 हो उन्हों 5 नहीं मान सकते ए ठीक है। तो ए की यूनिट है ग्राम। हुण तुहानू पता लग गया किवें कन्वर्जन करनी है। एक होर ट्राई करके देखते हैं 500 डेसीग्राम इंटू ग्राम एरिया ग्राम एरिया डेसी। हुण जे मैं कहाँ 1 ग्राम इत्थे तक इन्हें इत्थे तक पहुँचना है डेसी किहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 दे नाल इदां ही सोल्व होएगा। या मैं इनू इदा करके लिख सकती हूँ जो 1 ग्राम 10 डेसीग्राम के बराबर है तो 1 डेसीग्राम यदा उल्टा हो जाएगा 1/10 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इनू भी इदा भी लिख सकते है ना जे मैं डेसी तक पहुँचना है तो ग्राम को 10 के नाल डिवाइड होना पड़ेगा ना। चलो इनू सोल्व करते हैं 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम तो 500 इतने यूनिट सेम होना चाहिए डेसी ग्राम कि बराबर होएगा 1 ए इदा का इदा नीचे 10 मल्टीप्लाइड बाय 500। वैसे तो कटिंग इदा भी हो सकती है पर इनू ए मल्टीप्लाई किया 500 बटा 10 जीरो ना जीरो कट गया ए आ गया 50 यूनिट ग्राम। अगे चलते हैं ई पार्ट 2000 मिलीलीटर ਉਹਨੂੰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਏਰੀਆ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਲੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ 1, 2, 3 1, 2, 3 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 1000 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੀਟਰ ਤਾਂ 2000 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 1 ਉੱਤੇ ਏ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 2000 2000 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 2000 ਥੱਲੇ 1000 ਇਹ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ 12 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 3 ਨਾਲ 1000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ 3 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਲੀਟਰ 12 किलो लीटर दे थले किलो लीटर लिखना जरूरी है इज इक्वल टू ए उत्ते आ गया 1 थले आ गया मल्टीप्लाइड बाय 12 ए आ गया 12000 लीटर दे विच आंसर। अगे चलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इनू याद जरूर कर लियो। एक इलेक्शन हुई सक्सेसफुल कैंडीडेट जो जितया उहदे कोल इन्ने वोट सी ते उहदा जिहड़ा नियरेस्ट राइवल सी यानी जिहड़ा दूजे नंबर ते आया उहदे कोल इन्ने वोट सी। By what margin did the successful candidate defeat his rival? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੋਟਸ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਟੇਨਡ ਬਾਏ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ 6317 ਵੋਟਸ ਅਟੇਨਡ ਬਾਏ nearest rival 3761 difference between the votes ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗਾ
6317 माइनस 3761, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਏ 6, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 11, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 2, 11 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ 5, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 12, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 5, 12 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ 5 ਰਹਿ ਗਏ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ defeated his rival by ਕਿੰਨੀਆਂ votes, 2556 votes ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ defeat ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ question। A monthly magazine having ਇੰਨੇ pages is published on 20th day of each month। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 37 ਪੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੰਥ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਟੈਲ ਅਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੇਜਸ ਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਪੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 23791 ਨੇ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਜਸ ਇਨ ਵਨ ਕਾਪੀ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਸ ਨੇ, 37। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਜਸ ਇਨ 23791 ਕਾਪੀਜ, ਇੰਨੀ ਕਾਪੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਸ ਹੋਣਗੇ, 23791 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 37, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। 7 ones are 7, 7 9s are 63, 3 6 ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 7 7s are 49, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 6, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 55, 5 5 ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 7 3s are 21, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 26, 6 2 ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 7 2s are 14, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ 16 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ, 0 ਲਿਖਣਾ, 0 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ones are 3, 3 9s are 27, 7 2 ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 7 3 are 3 7s are 21, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 23, 3 2 ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 3 3s are 9, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 11, 1 1 ਉੱਤੇ ਗਿਆ, 3 2s are 6, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 7। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 6 2 0 8 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਜਸ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥਾ, ਅ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰ ਹੈਜ਼ 37 ਰਿਮਸ, ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 37 ਰਿਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 37। ਵਨ ਰਿਮ ਕੰਟੇਨਸ 480 ਪੇਜਿਸ, ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 480 ਪੇਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਸ਼ੀਟਸ ਟੂ ਸੈਲ ਟੂ ਰਿਟੇਲ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਸ਼ੀਟਸ ਟੂ ਸੈਲ ਇਨ ਰਿਟੇਲ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਨ ਕੁਐਰੀ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਕੰਟੇਨ 24 ਸ਼ੀਟਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਨ ਕੁਐਰੀ ਆਫ ਸ਼ੀਟ ਕੰਟੇਨਸ ਇਹ 24 ਪੇਜਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਜਿਸ ਇਨ ਵਨ ਰਿਮ, ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ,
एक रिम दे विच 48 पेजेस ने, सॉरी एक रिम दे विच 480 पेजेस ने, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ पेजेस इन 37 रिम्स इज इक्वल टू, इदां दी 37 रिम्स ने डब्बे ने, 37 टोटल काटना है, 480 मल्टीप्लाइड बाय 37, चलो मल्टीप्लाई भी करके दस देनी है किवें मल्टीप्लाई होएगा, 7 नू 0 दे नाल मल्टीप्लाई कीता 0, 8 7 जा रही है, 7 8 जा 56, 6 5 उत्ते गया, 7 4 जा 28, उदे विच 5 ऐड कर दो, ए आ गया 33। हुन 3 सीधा मल्टीप्लाई नहीं होएगा, एदे विच पहला क्रॉस लगेगा, फिर 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 4 2 उत्ते गया, 3 4 जा 12 प्लस 2 13 14, इन्हां नू जब तुसी ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके ए आ जाएगा 17760। ए टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ गए साडे कोल, ए टोटल आ गया 17760। हुन अगले हिस्से दे विच उन्होंने ए कहा है वी जे ए टोटल है गया थोड़े कोल 17760 ते साडे कोल ए है गया भी एक क्वेरी दे विच, एक डब्बे दे विच जिन्हां नू उन्होंने नाम क्वेरी दिता है 24 शीट्स ने, तां डब्बे किन्ने बणनगे उन्होंने ए पुछया, उहदे लई की करांगे डिवाइड ही करना पड़ेगा। इत्थे लिखते हैं दूजा हिस्सा, नंबर ऑफ क्वेरीज इन 24 शीट्स दे विच किन्ने डब्बे बनते हैं, एक नंबर ऑफ क्वेरीज इन 17760 शीट्स दे विच किन्ने बनेंगे, तुसी लिखोगे 17760 डिवाइडेड बाय 24, ਇਹਨੂੰ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 168 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 192। 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 168, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 9, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6 ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ। फिर उस तो बाद मल्टीप्लाई करोगे 4 दे नाल, 24 नू 4 दे नाल मल्टीप्लाई किया 96। इत्थे गल खत्म नहीं हुंदी, ए जीरो भी सॉल्व होएगा, कदों आएगा जीरो जब जीरो नाल मल्टीप्लाई करांगे। कहने का मतलब साडे कोल जिहड़ा आंसर आया है कि नंबर ऑफ क्वेरीज किन्नियां बनियां बनियां ने 740, ए आया आंसर। पहला टोटल शीट्स कढ़ियां फिर क्वेरीज कढ़ियां। अगे चलते हैं पंजवां क्वेश्चन, वीरपाल सर्व्स मिल्क टू द गेस्ट इन ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी एन ए मिली लीटर, वो ग्लास के दुध सर्व कर दिए गेस्ट नूं, ते एक ग्लास के किन्ना दुध आंदा है 250 मिली लीटर दुध आंदा है। सपोज दैट द ग्लासेस वर फिल्ड टू द कैपेसिटी एंड देयर वॉज 5 लीटर मिल्क दैट गॉट कंज्यूम्ड, भी पूरे पूरे आपां ग्लास भरे ते टोटल जिन्ना लग्या दुध 5 लीटर सी, हाउ मेनी गेस्ट वर सर्वड विद मिल्क, कहन दा मतलब जिन्ने ग्लास होंगे उन्ने गेस्टा नू दुध मिलेगा, ता टोटल किन्ना है 5 लीटर, उनू डिवाइड करना है 250 नू लीटर दे विच बदल के, या एनू तुसी 5 नू मिली लीटर दे विच बदल के उनू 250 नाल डिवाइड कर दोगे। टोटल दिता हुआ ना किन्ने नंबर ने वो कढ़ना है, आ देखो सब तो पहला लीटर तो आपां मिली लीटर दे विच जाना है, की यूनिट है एरिया लीटर, एदे तो मिली लीटर दे विच जाना है। जे आपां कहिए मैं इत्थों इत्थे जाना है एक लीटर तक पहुंचना है तां किन्ने मिली लीटर लगते ने, गुणा 1 2 3 मिली लीटर लग जाएंगे, 3 बार 10 नाल मल्टीप्लाई करेंगे लीटर तक पहुंच जाएंगे। इत्थे लिख दिया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, 5 लीटर इज इक्वल टू 1000 बटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ए हो गया 5000 मिली लीटर। हुन इनू इदा लिखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम, टोटल किन्ना दूध लग गया, या तो 5 लीटर या तुसी लिख सकते हो कि बराबर है 5000 मिली लीटर के बराबर। उस तो बाद कैपेसिटी ऑफ
ईच ग्लास, हर ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 250 ml, हर एक ग्लास की कैपेसिटी है। नंबर ऑफ ग्लासेस सर्व्ड, जिन्हें सर्व किए गए, 5000 डिवाइडेड बाय 250, इतना ही करेंगे, इतने डिवाइड कर दें 5000, ये आ गया 250। 250 नो 2 के नाल मल्टीप्लाई करूंगे, 500 आ जाएगा, ए जीरो थल्ले आ, इतने जीरो, फिर सॉल्व होएगा, यानी कि 20 ग्लासेस की है साडे कोल आंसर। अगे, अ बॉक्स ऑफ मेडिसिन कंटेन्स एनी टैबलेट्स वेइंग एनी ग्राम, इदा देखो एक डब्बा है, टोटल एनी टेबलेट्स हैं 2 लाख, हर एक का वेट कितना है? 20 मिलीग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बॉक्स? टोटल वेट कितना है? टोटल भार कितना है? किनिया टेबलेट्स ने दित्तिया गई ने, आप टोटल भार कढ़ना, उसके लिए की करांगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इन सॉल्व करते हैं, वेट ऑफ ईच टेबलेट, टेबलेट यानी दवाई कितना है? 20 मिलीग्राम, एक का वेट है, वेट ऑफ 2 लाख टेबलेट्स, 2 लाख टेबलेट्स का वेट कितना हो जाएगा? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 मिलीग्राम, इनू दोनों दो नाल कीता 4, पीछे जिन्ने जीरो ने वो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 तो ये विच सी, एक होर आ गया 6, एना साढ़े को मिलीग्राम दे विच आया। इनू जे आप मान लो ग्राम दे विच कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम तो मिलीग्राम कितने एरिया, मिलीग्राम तो ग्राम वल जाना है इधर, यानी कि आप ये कहेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम दे बराबर होएगा, यानी उल्टा लिख दो, 1 मिलीग्राम की दे बराबर होएगा 1/1000 ग्राम दे बराबर, इनू कन्वर्ट कर दें, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, यही है, तां ए की दे बराबर होएगा, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू एने मिलीग्राम की दे बराबर होंगे, पहला ए आएगा, ओ डिवाइड होएगा कि दे नाल 1 दे नाल, ये थल्ले 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा, ते मल्टीप्लाई होएगा ये दे नाल, ठीक है, 3 जीरो नाल 3 जीरो उड़ जाएंगे, इत्थे बच जाएगा साडे कोल 4000 ग्राम। मान लो तुसी ग्राम दे विच भी आंसर नहीं देना, केजी दे विच आंसर देना है, ए ग्राम है, इत्थों आपां किलोग्राम दे विच जाना है, ए ग्राम है, ए किलोग्राम है, किमें पहुंचांगे? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होंगे, चलो इन सॉल्व कर दें, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होंगे, तो आप इदा लिख सकते हैं, 1 ग्राम की दे बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम के बराबर, ते 4000 ग्राम की दे बराबर होएगा 1/1000, इनू डिवाइड करना है 1 दे नाल, ना करो कोई फर्क नहीं पैंदा, मल्टीप्लाई 4000 दे नाल, ए 3 जीरो नाल 3 जीरो गए, 4 kg आंसर आ गया, यानी आंसर आप ग्राम दे विच भी दे सकते हैं, केजी दे विच भी दे सकते हैं, ते मिलीग्राम दे विच भी दे सकते हैं, पर उहदे लई यूनिट्स पता होने बहुत जरूरी ने। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन 7th, अ बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891, इन्ने रुपीज की किताबा जड़िया ने वो एक दुकानदार ने भेजिया बेचिया पहले हफ्ते च जून दे, दे सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज, तो इस तू इलावा बुक्स जिदी कीमत है 4,768, 4,768 रुपीस दी सेकेंड हफ्ते में, जून दे पहले हफ्ते च, ए जून दे सेकेंड हफ्ते में, हाउ मच वाज द टोटल सेल फॉर 2 वीक्स, टोटल सेल कितनी हुई 2 हफ्तियां दे विच, ओदे विच आपा की करांगे, ऐड ही करना पड़ेगा, इनू इदा लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड
इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून दे पहले हफ्ते विच, वो आ गया रुपीज 285,891। कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, जून के दूजे हफ्ते विच रुपीज 400,768। टोटल सेल फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तियां दे विच टोटल सेल किन्नी हुई, ऐड कर देने इत्थे आपां 285,891। देखो यूनिट जेड़ा है वो साढ़े को रुपीज दे विच आएगा, तुसी एंड दे विच भी रुपीज लिख सकते हो, पहला भी लिख सकते हो, एदे विच ऐड करना है 400,768। इन्हां दोनों नू जब तुसी ऐड करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 686,659 रुपीज, 2 हफ्तों विच जिन्नी सेल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8वां। अ फेमस क्रिकेट प्लेयर हैज सो फार स्कोर्ड एने रन इन टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचेस दे विच एने रन बना ले उन्हें, ही विशेस टू कंप्लीट 1,000 रन, एने बना ले टोटल एने बनाने ने, हाउ मेनी मोर रन ही नीड्स, होर किन्ना चाहिए उन्हें, टोटल मान लो 5 बनाने सी 2 बना ले, किवें कढ़ांगे इन्हें, जिन्हें टोटल बढ़ाने ने उदे विचों माइनस कर देंगे, ईजी है। एथे द नंबर ऑफ रन्स प्लेयर विशेस टू कंप्लीट, जिन्हें उन्हें कंप्लीट करने ने वो हैगे ने 10,000। द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर जो अजे तक बना ले वो किन्ने ने 6,978। नंबर ऑफ रन्स नीडेड इज इक्वल टू, इदा लिखोगे 10,000 माइनस 6,978 माइनस करोगे 3,022, आंसर आ जाएगा भी इन्ने होर रन चाहिए ने इथे तक पहुंचने। अगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। सुरिंदर हैज एने रुपीज विद हिम, ओने कोल एने रुपीज ने, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 39 रेडियो सेट्स एट एने ईच, यानी 39 रेडियो सेट ले, एक रेडियो सेट की कीमत एनी हैगी है, पहला 39 दी कट लांगे, उस तो बाद कहा गया भी किन्ने पैसे ओदे कोल बच गए, माइनस कर देंगे टोटल विचो, वेरी ईजी इत्थे लिखते हैं टोटल अमाउंट विद सुरिंदर, ओदे कोल टोटल किन्ने पैसे ने रुपीज 78592। फिर कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट वो हैगी है रुपीज 1,234। कॉस्ट ऑफ 39 रेडियो सेट्स वो आ गया रुपीज 1,234, मल्टीप्लाई करोगे 39 दे नाल वो आ जाएगा 48,126, एने रुपए एने खर्च थे, एने पैसे मनी। उन्होंने की पूछे हाउ मच मनी विल रिमेन, मनी लेफ्ट विद हिम, ओदे कोल किन्ने पैसे बच गए, पहला लिखोगे 78592 माइनस रुपीज 48126, जब इन्हों माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 30466। लास्ट क्वेश्चन। अ वेसल हैज 3 लीटर 650 ml ऑफ कर्ड, एक बर्तन दे विच इन्ना दही है, टोटल दही दिता हुआ है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ ईच 25 ml डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड करना पड़ेगा ये पर लीटर मिलीलीटर फिर मिलीलीटर, यानी लीटर तो मिलीलीटर दे विच जाना पड़ेगा सब तो पहला, टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड वो कितनी है 3 लीटर 650 ml, लीटर तो मिलीलीटर ए लीटर है ए मिलीलीटर है, यानी 1 लीटर कि बराबर है 1,000 मिलीलीटर दे,
1 लीटर 1000 साइड से लिख लिया करो, मिलीलीटर के बराबर है। 3 लीटर किधे बराबर होएगा? 1000 बटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3000 मिलीलीटर। 3000 मिलीलीटर प्लस 650 मिलीलीटर, ये 650 ऐड कर दो, 3650 मिलीलीटर आ गया। आगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास से विच कितना अंदर दही? 25 ml। नंबर ऑफ ग्लासेस डिस्ट्रीब्यूटेड जो वंडे गए, वो दे लिए पहला लिखोगे 3650 डिवाइडेड बाय 25। इतने डिवाइड कर दें 3650, इनू 25 दे नाल तुसी डिवाइड करना है। सब तो पहला 1s are 25, माइनस कीता 1 1, ते ए 5 थले आ गया। 4s are 100, माइनस कीता 1 5, ए 0 थले आ गया। 25 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करूंगे, 150 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आ गए? नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू 146। एरे विच यूनिट नहीं है क्योंकि ये ग्लास है। एसी की आज की क्लास में उम्मीद कर रही हूँ थोनू डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सबट्रैक्शन कितने करनी है, कदों लोड़ पैंदी है, चंगी तरीके नाल समझ आ गया होएगा। जे वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर ते मैनू कमेंट सैक्शन दे विच अपने आंसर जरूर दिओ। आपा फिर मिलांगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।